आदाब, नमस्कार। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र का अफसाना, मुसर्रत बॉम्बे स्टाइल। जी हाँ, मुसर्रत बॉम्बे स्टाइल। ये रोज सुबह का किस्सा है। जो ही रेडियो पर मशहूर डबल रोटी मॉडर्न ब्रेड का इश्तेहार आता और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती, मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड, मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड, उसके दोनों बच्चे दाएं बाएं उसकी साड़ी का कोना पकड़कर चिल्लाने लगते, मम्मी मम्मी टीवी, मम्मी मम्मी टीवी। उनके खूबसूरत बंगले में सब कुछ था, गाड़ी थी, फ्रिज था, रेडियोग्राम, क्लीनिंग रेंज, सोफे, गालीचे, कुशन, पर्दे, तस्वीरें, किताबें, कट ग्लास क्रॉकरी, नौकर चाकर, क्या नहीं था, क्या नहीं था उस घर में। नहीं था तो टीवी, टेलीविजन। शहर में टेलीविजन नया नया वारिद हुआ था, अभी 2 ही महीने हुए थे, मगर आसपास के मजाफाती बंगलों में जहां उन्हीं किसी आमदनी रखने वाले लोग रहते थे, किसी किसी घर में टेलीविजन लग गया था और उनके दोनों बच्चे तकरार करते, मम्मी मम्मी टीवी, मम्मी मम्मी टीवी। 10-15 दिन से यही किस्सा चल रहा था। इस अरसे में सावित्री और राजीव कई बार सर जोड़कर बैठे, महाना बजट को बहुत ऊपर नीचे किया, मगर यह बजट कमबख्त ऐसी मजबूत फौलादी कीलों से ठोका गया था कि 1 इंच इधर से उधर होने को तैयार न था। हर बार राजीव और सावित्री कागज और कलम लेकर बैठते, हर बार एक ही नक्शा उभरता, किराया 560 रुपये, बिजली और पानी 50 रुपये, पेट्रोल 200 रुपये, नौकर 80 रुपये, किचन का खर्च 600 रुपये, कार की किस्त 260 रुपये, फ्रिज की किस्त 125 रुपये, इंश्योरेंस 170 रुपये, मेहमान नवाजी 150 रुपये, धोबी 30 रुपये, दवा दारू 50 रुपये, मुतफर्रिक 50 रुपये, कुल मीजान 2,325 रुपये। सावित्री बोली, 2,325 रुपये तो मोटा मोटा हिसाब है, अभी इसमें कई छोटे मोटे खर्च शामिल नहीं है, इसमें कपड़े शामिल नहीं है और मेरा मेकअप और शॉपिंग। महीने गुजर जाते हैं, मैं अपने बाल नहीं बनवा सकती, विग और कर्लर से अपना काम चला लेती हूं। राजीव बोला, मगर सोचो 2,325 रुपये जबकि मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 2,200 है। अरे ये मैं हूं जो तुम्हारे घर का खर्च 2,200 में चलाती हूं, कुछ यहां से काट कर, कुछ वहां से छांट कर, कुछ उधर से कतर पे हो तो कुछ इधर कैंची चलाकर हिसाब बराबर करती हूं, वरना अपने हमसाये की बीवी है कमला, वो कमला श्रीधर हर वक्त रोती रहती है और उसका शौहर हर महीने की 10 तारीख को 3,000 रुपये लाता है। सोच सोच कर और कागज पर लिखे हुए बजट को बार बार पढ़कर राजीव बोला, कार की 10 किस्तें बाकी हैं, 10 महीने के बाद टीवी आ सकता है।
अरे 10 महीने में, 10 महीनों में तो तुम्हारे बच्चे रो रो कर मुझे हलकान कर देंगे। सावित्री कहती, ये भी तुम ठीक कहती हो। राजीव को हाँ करते ही बनती, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने किसी दोस्त यानी मोहसिन रियाज से टीवी के लिए पैसे मांग लो। सावित्री ने मशवरा दिया, वो तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अभी तक क्लीनिंग रेंज की रकम उसे नहीं लौटाई है। उसे कहा था कि 200 रुपये महाना अदा कर दिया करूंगा, 6 महीने से वो भी नहीं कर सका। राजीव ने मुंह लटका कर कहा, अब किस मुंह से उससे टीवी के लिए रकम मांगू। फिर रुककर बोला, तुम क्यों नहीं अपनी सहेली विमला अग्रवाल से मांग लेती। अब सावित्री उससे क्या कहती, विमला उसकी बचपन की सहेली थी और उस शहर में एक लखपति से ब्याही हुई थी, वो चाहती तो 2500 तो क्या 50,000 दे सकती थी, मगर उसकी दोस्ती टेलीफोन पर आधे आधे घंटे गुफ्तगू करने या कभी कभी अपने आलीशान घर में बुलाकर मेहमान नवाजी करने पर महदूद थी। फिर भी गुज़िश्ता एक दिन मुंह खोलकर सावित्री ने उसे टीवी के लिए 2500 रुपये मांग लिए। विमला साफ इनकार कर गई, बोली, अरे तुम नहीं जानती बहन, आजकल बिजनेस में कितना मंदा है, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, दिन रात के घेराव और हड़ताल, माफ कीजिएगा, दिन रात के घेराव और हड़ताल, जिससे जरा भी मुनाफे की उम्मीद, माफ कीजिएगा, फिर तुम्हें गड़बड़ कर गया, दिन रात के घेराव और हड़ताल से जिस जरा से मुनाफे की उम्मीद थी वो भी जाती रही, पिछले 2 साल से नुकसान में जा रहे हैं हम लोग। वो तो कह रहे थे, क्यों ना हम फैक्ट्री बेच बाज कर जुनूबी अमरीका जा कर रहे हैं, उनका एक दोस्त ब्राजील में है, मुरारी। सावित्री ने स्विच ऑफ कर दिया, अब वो विमला की बातें नहीं सुन रही थी, सिर्फ उसकी बातों की गूंज मक्खियों के भिनभिनाहट की तरह उसके जहन के किसी गोशे में घूम रही थी। वरना वो तो सोच रही थी कि उस दिन विमला के जन्मदिन पर अर्जुन अग्रवाल ने कितनी जबरदस्त पार्टी दी थी, स्कॉच विस्की के क्रेट पर क्रेट खाली हो रहे थे और बंगले के बाहर बाग में सैकड़ों बल्कि हजारों कुकुमों की रोशनी की गई थी और 200 से ज्यादा मेहमान बुलाए गए थे। कम से कम तखमीना उस पार्टी के खर्च का 15,000 के करीब बैठेगा। एक शाम में 15,000 रुपये और अपनी बचपन की सहेली के पास 2500 रुपये भी नहीं। ये सोचते हुए सावित्री का निचला होठ एक तल्ख और तंजिया अंदाज में टेढ़ा हो गया। विमला बोली, सुन रही हो। सावित्री ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुन रही हूं। विमला बोली, कोका के बागात से लाखों की आमदनी होती है मुरारी भैया को, और मुरारी भैया उनसे बहुत कह रहे हैं, सॉरी मुरारी भैया, माफ कीजिएगा। सावित्री ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुन रही हूं। विमला बोली, कोका के बागात से लाखों की आमदनी होती है मुरारी भैया को, और मुरारी भैया उनसे बहुत दिन से कह रहे हैं कि तुम भी ब्राजील में आके बस जाओ, 5 साल में निहाल हो जाओगे, यूं कह रहे थे मुरारी भैया। सावित्री ने कहा, वो तुम्हारे मुरारी भैया कैसे हो गए, तुमने उनको देखा तक नहीं। विमला चमक कर बोली, वाह, उनके दोस्त जो हुए मेरे भैया ना हुए तो क्या हुए, ए, तुम भी कैसी बातें करती हो। विमला ने सोचा, अब मुझे चलना चाहिए, मगर सावित्री ने अपने शौहर से ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे विमला की दोस्ती पर इस कदर नाज था
और इतनी तारीफ वो उसकी कर चुकी थी कि अब उसके बाद इस इनकार के जिक्र से न सिर्फ विमला की बल्कि खुद उसकी हेती होती। इसलिए जब राजीव ने उसे कहा तुम विमला से क्यों नहीं मांग लेती, तो उसने आहिस्ता से कह दिया अच्छा किसी दिन जाके मांग लूंगी। मगर यह बात उसने टालने की खातिर कही थी। कई दिनों की बकबक झकझक और बजट घटाने की नाकाम तरकीबों पर गौर करने के बाद जब राजीव ने इस तरह टीवी लाने की तरकीब ढूंढ ली तो वो खुश और मुतमईन होकर दफ्तर चला गया। मगर सावित्री को यह मालूम था कि शामत तो अब आएगी उसकी। रोज राजीव दफ्तर से उसे टेलीफोन करेगा, विमला से मिली थी उससे क्या बात हुई, अच्छा तो तुम उससे टेलीफोन पर ही बात कर लो। इससे सावित्री को यकलक याद आया अरे अपने बजट में हम लोग टेलीफोन का खर्चा रखना तो भूल ही गए, हर तीसरे माह 300-350 का बिल आता है, उसको भी तो बजट में शामिल होना चाहिए। आज शाम को राजीव आए तो उससे कहूंगी कितनी मुश्किलों से वो गुजर रही है, वही जानती है कार फ्रिज और इंश्योरेंस की किस्तें दफ्तर में से ही कट जाती हैं, हर 10 तारीख को किराए का चेक मालिक मकान को चला जाता है, सब कटकटा के उसके हाथ में 1100 रुपए आते हैं जिसमें उसे पूरा महीना चलाना पड़ता है। जाहिरी शान और शौकत रखने के अलावा आसपास के बंगले वालियों को भी जलाना पड़ता है, सिर्फ जलाना ही काफी नहीं है, झुलसाना भी घरदारी के हक में शामिल है। कभी कोई नया टी सेट आ गया या फ्रूट बॉल या गुलदान तो उसके मुकाबले में दूसरे घर में इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर आना जरूरी है, जिसके बाद तीसरे घर में मशहूर मुसव्विर हुसैन की तस्वीर आ जाती, तो चौथे घर में एक स्वीडिश आराम कुर्सी, तो पांचवें घर में पेपर बाशी का एक टेबल लैम्प, तो फिर पहले घर में हिंदुस्तानी झाड़ू की जगह बिजली से चलने वाला वैक्यूम क्लीनर लीजिए। वही चूहे दौड़ शुरू हो गई। सावित्री अंदर ही अंदर झल्ला उठी, ये कमबख्त चूहे दौड़। सावित्री को शहरी जिंदगी की ये चूहे दौड़ सख्त नापसंद थी। हर महीने गोया एड़ी उठाकर देखना पड़ता था कि दूसरे बंगले में क्या आ रहा है, कुछ आए ना आए। खुद हमसाई उस आने वाली चीज का जिक्र इतनी बार कर देती थी कि जी चाहता था कि या तो हमसाई का या अपना मुंह नोच लिया जाए, या उस वैक्यूम क्लीनर के डायनामाइट से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। घबरा कर उसने बाहर जाने का सोचा। राजीव दफ्तर चला गया था, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे, दोनों नौकर किचन में काम कर रहे थे, घर किसी मशीन किसी बाकायदगी से चल रहा था। सावित्री ने साड़ी बदली, थी तो पुरानी मगर सावित्री ने उसकी बसंती सतह को दोबारा रंगवा के उस पर बाटिक का नया डिजाइन बनवा लिया था, बिल्कुल नई लगती थी। उसे पहनकर और हाथ में कामदानी का जमाता हुआ पर्स लेकर जब वो बाहर निकली तो साथ वाले बंगले की मिसेस श्रीधर गोया पहले ही से उसकी ताक में थी।
अपने गेट पर आकर बोली, ए बहन कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। ये साड़ी क्या नई ली है? हाँ, नए डिजाइन की मालूम होती है। इसे चरखारी साइल बोलते हैं, नया डिजाइन है। अभी दो चार साड़ियां ही बाजार में आई हैं। सावित्री के मुंह से बेख्तियार निकल गया। मिसेस श्रीधर चंद लम्हे खामोश रही, चेहरा फक हो गया। उसने थूक का एक बड़ा सा गोला अपने हलक में निगल लिया, या शायद एक बड़ा सा पत्थर। फिर कांपते लहजे में बोली, क्या दाम दिए हैं इसके? 130 रुपए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये कहकर मिसेस श्रीधर गोया पत्थरा के वहीं खड़ी हो गई। उनकी आंखें उस साड़ी पर ऐसी जमी थीं कि अगर उनकी आंखों पर मुहद्दिब शीशे लगे होते तो वो वहीं साड़ी को अपनी निगाहों से जलाकर खाक कर देती। सावित्री ने हाथ उठाकर बशाश लहजे में कहा, बाय बाय, और आगे चल दी। अब मिसेस श्रीधर का सुकून 3 दिन के लिए तो गारत हो गया। अगले 3 दिन के लिए उसके बच्चे बात बेबात और पिटेंगे, और 3 दिन तक मिस्टर श्रीधर की पीठ में उनकी प्यारी बीवी सुइयां चुभोती रहेगी और अपनी तल्ख कलामी से उनका दिल खुश करती रहेगी, जब तक वो उसके लिए कोई नई साड़ी या नई बेल बॉटम नहीं लाके देगा। मुद्दतों मोहल्ले में चरखारी स्टाइल का तस्करा रहेगा, और मुद्दतों पढ़ी लिखी फैशन ज़दा औरतें सावित्री की साड़ी पर कुर्ती जलती और कुलस्ती रहेंगी। सावित्री का चेहरा उन औरतों की जलन का ख्याल करते ही खुशी से रोशन हो गया। उसने नाके से एक टैक्सी पकड़ी और वेस्टर्न एवेन्यू से लाइन रोड होते हुए सीधे गजीबो रेस्टोरेंट के सामने आकर उतर गई। मीटर कह रहा था सिर्फ 1 रुपया। उसके शौहर ने उसे बियर पीने की लत लगा दी थी। कभी कभार घर की पार्टियों में या बाहर की पार्टियों में वो मजबूर होकर एक छोटा पैक विस्की का भी ले लेती, क्योंकि जेट सेट में खवातीन का ना पीना गुनाह समझा जाता है। विस्की तो वो आज भी पसंद नहीं करती, हां बियर पीने और सिगरेट के उड़ते बल खाते धुएं के धुंधलकों में उसे ख्वाब देखने में मजा आता है। गजीबों के बाहर वही खड़ा था, अपनी स्टील ग्रे मर्सिडीज का पट खोले, मुंह में सिगार थामे, उंगलियों में बेश कीमत हीरे की अंगूठियां, सेल्फ डिजाइन की हल्के रंग की बेल बॉटम के ऊपर रेशम की दूधिया सफेद कमीज पहने, बड़े बड़े खुले कॉलरों में उसका मजबूत सीना झांकता हुआ, उसे खड़े होने का, सिगार पीने का, किसी की तरफ उचट्टी निगाह से देखने का एक स्टाइल था। उस स्टाइल में वो मुकम्मल बेफिक्री थी जो भरपूर अमारत की फरागत और आसूदगी से पैदा होती है। ये तो नहीं था कि उसका शौहर और उसके मोहल्ले में रहने वाले दूसरे लोग गरीब और नादार थे। सबके पास उम्दा घर थे, गाड़ियां थीं, आलीशान ड्राइंग रूम थे, बेहतरीन शराबें थीं, खूबसूरत कपड़े थे। उम्दा फरासत से लबरेज गुफ्तगु थी। मगर इन सब के बावजूद सावित्री को लगता था जैसे कहीं कोई हिसाब कर रहे, अरे इतने विस्की के पैक गए, इतनी सोडे की बोतलें खुल गई, इतने के कबाब मंगाए गए, गाड़ी के ऊपर इतने धब्बे पड़ गए,
इनका क्या होगा? वो मोटा आदमी जो उस कुर्सी पर बैठा है, अगर वो कुर्सी उसके बोझ से टूट गई तो कल नई कुर्सी कहां से आएगी? अब किसी पार्टी में सावित्री को मजा नहीं आता था। उसे लगता था कि उन खोखले नारों और हाहू के अंदर कोई सर्कस के खिलाड़ी की तरह तने हुए रस्से पर चल रहा है, एक एक लम्हे की खुशी का हिसाब गिन रहा है। खुशी को अगर बजट की कदरों में तकसीम करो तो सिर्फ कदरें बाकी रह जाती हैं। खुशी कहीं अंदर ही अंदर किसी तारीख खला में बह जाती है। खुशी को हाथ से छू लेने और पकड़ लेने की तरकीब, जैसे ये रेडियोग्राम है, ये कार का हैंडल है, ये सोने का लॉकेट है, कितनी गलत बात है। बात लगते ही जैसे खुशी गायब हो जाती है, हाथ में सिर्फ सोने का पेंडेंट रह जाता है। फिर कोई पार्टी में रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड लगा देता है और डांस शुरू हो जाता है। जदीद तरीन डांस, लचकती कमरें, टटोलते हुए हाथ, मगर हाथ में कुछ नहीं आता। लगता है कहीं पर कोई असर है जिसकी नकल है। उनके पांव फर्श पर नहीं रहे हैं, पांव के नीचे पतले कांच की नाजुक सी तय है जिसके अंदर एक गहरा खला है। जरा सा बोझ पड़ा और क्रंच से यह कांच की पतली सतह टूट जाएगी और वो लुढ़क कर उस तारी खला में गिर जाएंगे। सावित्री के जिस्म में एक झुरझुरी सी आई और उसके पार्टनर ने समझा सावित्री उसकी वजाहत और जवानी पर मर मिटी है। किसी खफ्ता जिंसी जज्बे से मगलूब होकर बेख्तियार कांप उठी है। वो और भी तिरछा होकर और बल खा खा कर नाचने लगा है। अहमक, सावित्री दिल में सोचती है, मगर ऊपर से उसकी आंखों में आंखें डालकर एक दिलकश मुस्कुराहट से उसे खुश किया जाती है। लेकिन इस मर्सिडीज वाले मर्द के चारों तरफ कोई दूसरी ही फैसा सांस ले रही है। इत्मीनान, सुकून, बेफिक्री और जिंसी शोखी, वो अक्सर उसे इस वक्त यहां मिलता है। लंच से जरा पहले मर्सिडीज का पट खोले कोक या लिमका पीते हुए, या किसी राह चलते हुए मुसाफिर से गुफ्तगू करते हुए, उस पर हमेशा गहरी नजरें डालता है और दूर तक उसकी निगाहें पीछा करती हैं। हत्ता कि वो कबाब कॉर्नर से गुजरते हुए दो रवैया मेजों से गुजरकर अकब के दरवाजे से एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाती है। उसे बाहर बैठना पसंद नहीं। अंदर 25% चार्ज ज्यादा है, सर्विस भी बहुत उम्दा है। कोने में उसका टेबल, अक्सर उस वक्त उसे वही टेबल मिल जाता है। वहां बैठकर वो एक बियर की बोतल का ऑर्डर देती है, पर्स खोलकर सिगरेट सुलगाती है, एक घूंट बियर का पीती है, फिर सिगरेट के धुएं में खो जाती है। जबान पर बियर का जायका जिंदगी की छोटी बड़ी तलखियों का सा मजा देता है। इस दुनिया में जितने नशे हैं वो सब हमारे दुखों की बाजगश्त हैं। हर किसी को कोई ना कोई जहर चाहिए, यानी कोई एक दुख पालना पड़ता है, वरना जिंदगी की तलखियों की काट कैसे होगी। इसलिए शराब, चरस, भंग, LSD, मारिजुआना, अफ्यून, कोकीन, मार्फिया और जो कुछ नहीं पीता उसे जलजीरा ही पीकर नशा हो जाता है। मगर नशे का ऐप सब में, वो भी अंदर की मेज पर आ बैठा है। दूर से उसके हीरे की अंगूठी की चमक एक सिग्नल की तरह उसकी आंखों में बार बार लहरा जाती है। वो जानती है वो उसके लिए आता है, मगर वो रोज रोज
मगर वो रोज रोज तो नहीं आती, फिर भी वो रोज रोज क्यों आता है? क्या उसकी उम्मीद पर? मगर आज तक उसने कोई छिछोरी हरकत नहीं की, सिर्फ देखता है गहरी नजरों से, आहिस्ता से रुक रुक कर, धीरे धीरे उसके जिस्म से लिपटकर प्यार करने वाली निगाहों से तके जाता है। सावित्री को मालूम है कि दो बच्चों के बाद भी उसका जिस्म दिलकश है और उसके पूरे बदन में एक सिमटे हुए स्प्रिंग का सा तनाव है, और चलते चलते उसकी उजली रंगत पर निगाहें यूं गिरती हैं जैसे वो उनकी फुहार में नहा रही हो। निगाहों ही निगाहों में औरत का लिबास उतार देने की सलाहियत सिर्फ मर्द की आंखों को मिली है। अपनी दानिश में उस मर्द ने मुझे इस वक्त बिल्कुल दंगा कर दिया है, और धीरे धीरे मेरे बदन पर अपने बोसे सख्त कर रहे। जाने इस मर्द का बोसा कैसा होगा। सावित्री को पुराने प्यार भरे बोसे याद आने लगे, अपने शौहर के, उसे बहुत पहले अपने गांव में जहां उसके बाप की जमींदारी थी, एक लड़के हरदयाल के बोसे जो उसे बहुत चाहता था, और जिसके बाप की भी एक छोटी सी जमींदारी थी। वो दोनों साथ साथ पले और बढ़े चेरी के दो पेड़ों की तरह। सावित्री को गांव की फजा बहुत पसंद थी, और हिमालय के दामन में बसा हुआ प्रकाशपुरा का नन्ना सा गांव उसे बहुत याद आता है। मगर जब उस पर जवानी आई, जैसे चेरी पर शगुफे आते हैं, तो उसके बाप ने उसे उसकी चची के यहां शहर में भेज दिया। यहां बिल्कुल नई जिंदगी थी, कुछ अजीब तरह की तेजी और तुंदी इसके बहाव में थी जो कभी कभी निचली वादियों में भरी बरसात में आती है। एक रोज भोर हरदयाल बाहर के एक चमकते हुए दिन में घूमने के लिए निकले थे। अभी सेब और आड़ू कच्चे ही थे और जंगली अंजीर फीके थे, और चेरी के रुखसारों पर वो गुलाबी रंग भी न था जो उस वक्त मिसाल के तौर पर सावित्री के गालों में खेल रहा था। मगर घास बड़ी लंबी, बड़ी लचकदार और खुशगवार थी, और उसे करीब से गुजरने पर उसे घास के खोशों से वही खुशबू आती थी जो उस वक्त उसे हरदयाल के बदन से आ रही थी। जवानी और बहार में एक ही सी खुशबू आती है। घास और आदमी, बारह सिंगे और चट्टान के बदन से एक ही खुशबू आती है जो शहरों में कभी नहीं मिलती। वो बहुत दूर तक ऊपर घाटियों में चले गए, क्योंकि वो कॉलेज की छुट्टियों में एक साल के बाद घर आई थी, और उस शहर में हमेशा अपने गांव की खुली फिजा को याद करती थी। नदी किनारे सफेदे के पेड़ों की लंबी लंबी कतारें और घास के एक तिकोने कते में गायें चरती हुई, और बादलों के टुकड़े शरीर बच्चों की तरह घाटियों से फिसल कर गांव के मकानों तक आते हुए। हरदयाल के बाप का मकान छोटा सा था मगर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा। सावित्री का बाप और हरदयाल का बाप इतने छोटे जमींदार थे कि उन्हें अपनी जमीनों पर खुद काम करना पड़ता था। वो उस वक्त अपनी अंगूरों की बेलों को घर के बागीचे में ठीक कर रहा था। हरदयाल ने अस्तबल से दो घोड़े निकाले, एक अपने लिए और दूसरा सावित्री के लिए। दोनों उन घोड़ों पर बैठकर चल दिए ऊपर घाटियों में जाकर जहां आप घोड़े ना जा सकते थे। उन्होंने दोनों घोड़े अखरोट के पेड़ से बांध दिए और ऊपर चल दिए। कहीं सफेद बादल थे, कहीं फूलों की बेलें थीं, कहीं झाग उड़ाता हुआ सफेद आबशार था जो मोती की लड़ियां सावित्री के घूमे हुए बालों में पिरो गया। उस आबशार के करीब जाकर यकायक हरदयाल ठहर गया और अजीब सी निगाहों से सावित्री को देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से सावित्री को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया
और उसके लजाए हुए होंठ तलाश करने लगा। कैसा प्यार भरा बोसा था वो, उनकी मासूम मोहब्बत का पहला बोसा, नर्म और गर्म, रोशन और सयाल, फूलों की तरह महकता हुआ, नदी के पानी की तरह गुनगुनाता हुआ, किसी अजनबी की आंखों की तरह रुककर दिल को टटोलता हुआ, मदहोश बेहाल बोसा, रानाई जमाल बोसा, मुकम्मल विशाल बोसा, जैसे अब कुछ बाकी ना रह गया हो। और वो खुद तखलीक की पहली तमन्ना और उसके दर्द की पहली लकीर बनकर हरदयाल की बाहों में जज्ब हो गई हो। बाद में जब वो हरदयाल से बिछड़ गई और उसके बाप ने हरदयाल से शादी करने से इनकार कर दिया, और जब वो गांव से शहर और छोटे शहर से एक बड़े शहर में पहुंचा दी गई, उस वक्त उसकी जिंदगी में कुछ और भी बोसे आए। तब उसे मालूम हुआ कि हर बोसे की अपनी एक शख्सियत होती है, उसका अपना एक रंग रूप मूड और महक होती है। तुम उसे गोया अपनी हथेली पर रखकर देख सकते हो, हाँ ये नीलम है, ये हीरा है और ये पुखराज है, ये लाल बदख्शां है, ये कोयले का टुकड़ा है, क्योंकि हर बोसा हसीन नहीं होता, हर बोसे में बोसा लेने वाली शख्सियत की छाप भी होती है, जैसे किसी कमीने खुदगर्ज का बोसा है, ये लापरवाह आवारा ओबाश का बोसा है, ये सच्चे साफ दिल का बोसा है, जैसे हरदयाल का बोसा था। ऐसा बोसा उसे फिर जिंदगी में नहीं मिला। शायद वो अपने दिल के अंदर से एक देहातन थी, शायद वो सिर्फ हरदयाल ही की नहीं, अपने गांव की खुली फजाओं की भूखी थी। भूखी थी चरवाहों के गीत भरे गुंजार की, नन्हे मेमनों की मोहब्बत भरी पुकार की, शफाफ रंगीनों भरे आबशार की, बादलों के साथ खिड़की में घुसाने वाली फुहार की, चमकते नीले आसमान में उड़ते हुए तोतों की डार की, उसे बहुत याद आती। वो गरना घाटी जिस पर खड़े होकर उसका चहीता घोड़ा अमीर मगरूर गर्दन उठाकर हिनहिनाता था, वो सरता नदी गांव के किनारे बल खाती हुई आज भी उसके दिल में दर्द की, वो सरता नदी गांव के किनारे बल खाती हुई आज भी उसके दिल में दर्द की लकीर की तरह बहती चली जाती है। जिसे किनारे पहुंचकर जब वो अपने पांव पानी में डाल देती तो पतले पानी की लहरें उसके पैरों के गिर्द चांदी की सी झांझियां बजाने लगती। आज वो चांदी क्या सोने की झांझें भी पहन सकती है, मगर उनमें वो लहरों की सी खनक कहां है। शायद वो उस पसमंजर से अलग हटकर हरदयाल से भी मोहब्बत नहीं कर सकती थी। फिर जब हरदयाल भी ना उसे मिला तो उसने अपने आप को नामुकम्मल तौर पर शहरी जिंदगी के हवाले कर दिया और अपने माँ बाप के कहने से वहाँ शादी कर ली जहाँ उसके माँ बाप चाहते थे। ये बात भी नहीं है कि वो राजीव से खुश नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी तो क्या हुआ, दोस्ती तो थी, समझदारी थी, रफाकत थी, गुसर बसर करने के लिए बाहमी मफाहमत थी, और सबसे बढ़कर यह कि अपने दोनों बच्चों के लिए गहरी मोहब्बत थी। राजीव अपनी बीवी और बच्चों के लिए बेहतरीन शहरी जिंदगी चाहता था, ऐसी जिंदगी जो सिर्फ ऊपर के तबके के लोगों को ही मिलती है। शादी के समय वो अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी में 1200 रुपये पाता था। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत लगन और दयानतदारी के सहारे आगे ही आगे बढ़ता चला गया। पहले जब वो 1200 से 1500 के अहदे पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने बीवी और बच्चों के लिए एक बेहतर फ्लैट का इंतखाब किया, उसे बेहतरीन साजो सामान से सजाया और इसके लिए अपनी फर्म से
15,000 रुपये कर्ज लिए, जिसकी किस्तों को वह अदा कर चुका था। फिर जब वह 1500 से 1800 का एग्जीक्यूटिव हुआ तो उसने अपनी बीवी की सहूलत की खातिर घर के किचन के लिए एक उम्दा क्लीनिंग रेंज खरीदा और एक रेडियोग्राम की रकम उसने फर्म से कर्ज ली, और अब वो उन दोनों की किस्तें अदा कर चुका था। फिर जब वो 1800 से 2200 का एग्जीक्यूटिव हुआ तो उसने कार और फ्रिज लेने की ठानी, और अब ये दोनों चीजें उसके पास थी, किस्तें वो अदा कर रहा था। शहरी जिंदगी में खुशी यकलख्त नहीं मिलती, उसके लिए महीनों बल्कि बरसों किस्तें अदा करनी पड़ती हैं। मगर ये एक उसी पर क्या मौकूफ है उसके सभी दोस्त, हमसाए और उसके बराबर आमदनी वाले इसी तरह मुसर्रत खरीदते हैं किस्त दर किस्त, और अगर यू भी ना हुआ तो क्या हुआ, वो अपने दोस्तों, हमसायों और बराबर के अहदेदारों में कितना जलील हो जाएगा। वो अक्सर सावित्री को समझाता था, वो खुद भी और उसके प्यारे बच्चे भी अपने आप को दुनिया की नजरों में कितने कमतर महसूस करेंगे। यहां जीना बे जीना, दूसरों के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है। डार्लिंग एक रेस है मेरी जान, मगर कभी कभी तो वो चिढ़ जाती, कहती हर वक्त मुकाबले की जिंदगी से आसाब तबाह हो जाते हैं। वो कहता खुशी के लिए लड़ना पड़ता है, इस दुनिया में हर अच्छी चीज को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। वो कहती मगर खुली हवा, बहती नदी, उड़ते बादलों के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उन खुशियों की बात करता हूं जिन्हें तुम हाथ से छू सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में कैद कर सकते हो, अपने इस्तेमाल में ला सकते हो, जैसे रेडियोग्राम है, फ्रिज है, मिक्सी है, क्लीनिंग रेंज है। तो क्या तुम मोहब्बत को छू सकते हो, सावित्री ने कहा। राजीव हंसकर बोला, मोहब्बत भी तुमसे है और मैं तुमको छू सकता हूं। बियर की बोतल खत्म हो गई, आखिरी घूंट लेकर सावित्री ने ग्लास खाली कर दिया और सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दिया। अब कुछ कहना सुनना बेकार है, शहरी जिंदगी और खुसूसन इस शहरी जिंदगी में जिसमें हरदम मुकाबला रहता है, उसकी अपनी ग्रामर होती है, उसका अपना एक ग्राफ होता है, अपना एक रूम। उसका अपना एक ग्राफ होता है, अपना एक रिदम होता है, सावित्री को भी उस रिदम पर नाचना होगा। गुज़िश्ता 7 साल से वो और क्या कर रही थी, हर कदम पर उसने एक बावफा बीवी की तरह राजीव का साथ दिया था। कभी उसे ऐसा लगता जैसे वो इस जद्दोजहद से घबरा कर एकदम टूट जाएगी, मगर वो फिर हौसला करके अपने शौहर के साथ आगे बढ़ जाती, क्योंकि राजीव के हौसले बहुत बुलंद थे और उसे अभी बहुत सी छू जाने वाली और हाथ की पकड़ में आने वाली खुशियों को हासिल करना था। किस्तें, एक शय की किस्तें खत्म होती नहीं तो दूसरी आ जाती। उसने बैरो को बुलाकर बिल अदा किया और अपनी मेज से उठकर मर्सिडीज वाले मर्द की मेज के करीब से गुजरते हुए उसकी तरफ एक निगाह डाले बगैर चली गई। उसे मालूम था कि उसकी चाल की नोक पलक को देखता रहेगा उस वक्त तक जब तक उसकी निगाहों से ओझल ना हो जाए। इस एहसास के आते ही गैर शौरी तौर पर उसकी चाल का घुमाव भी बढ़ता गया और उसके खम ज्यादा होते गए। अगले 5 दिन अजीब तनाव में गुजरे। राजीव दफ्तर से टेलीफोन करता, विमला से बात की, नहीं, क्यों नहीं,
घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिली। अरे जरा टेलीफोन पर खटखटा दो। अच्छा, वो रुक कर कहती, रिसीवर नीचे रख देती। शाम को दफ्तर से आकर फिर सवाल करता, बात हो गई? नहीं हुई। क्यों? मैंने टेलीफोन किया था मगर वो घर पर नहीं मिली। उसने झूठ मूठ कह दिया। कहाँ गई हुई थी? माउंट आबू। माउंट आबू? राजीव के चेहरे पर मायूसी आ चुकी। हाँ, मगर दो दिन के बाद आने वाली है। दो दिन के बाद राजीव ने फिर दफ्तर से फोन किया। सावित्री बोली, आज मेरे सर में दर्द है, कल बात करूंगी। अगले दिन बाप और बच्चे उसके सर हो गए। मम्मी बात करो ना, मम्मी बात करो ना, मम्मी बात करो ना। राजीव ने कहा, तुम मुझे नंबर दो, मैं मिला देता हूं। सावित्री बोली, नहीं, मैं टेलीफोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझती, कल उसे घर जाकर बात करूंगी। राजीव ने बड़े प्यार से उसके माथे पर गिरती हुई बालों की लट को ठीक किया और उसके हाथ को प्यार से जरा सा दबा दिया। दूसरे दिन दफ्तर जाने से पहले उसके शौहर ने उसे याद दिलाया। फिर स्कूल जाते हुए उसके बच्चों ने रट लगाई, मम्मी मम्मी टीवी, मम्मी मम्मी टीवी। सब कामों से फारिग होकर वो नहाई। नहाने के बाद उसने मेकअप किया, हल्का जेवर पहना, फिर एक उम्दा साड़ी अपने बदन पर सजाई, पर्स हाथ में लिया और बन सवार कर घर से निकली। घर से निकलकर नाके पर उसने टैक्सी ली और लाइन रोड से सीधे गैज़िबो पहुंची। वो अपनी स्टील ग्रे मर्सिडीज का पट खोले, अपनी जरफशां उंगलियों में रॉथमैन का एक सिगरेट लटकाए खड़ा था। वो सीधे उसके करीब आ गई और बोली, हटो। वो चौंका, फिर कुछ कहे बगैर अपनी जगह से हट गया, मगर उसके चेहरे पर हैरत थी। मर्सिडीज का पट खुला था। वो बड़ी एहतियात से अपनी बेशबहा साड़ी संभालते हुए उसकी मर्सिडीज में बैठ गई। अब उस मर्द के चेहरे से हैरत गई और मुसर्रत की रोशनी आ गई। वो दूसरी तरफ से होकर ड्राइवर की सीट पर बैठा, वो उसके साथ लगकर बैठ गई। चंद लम्हों में मर्सिडीज हवा से बातें करने लगी। बाद में जब वो दोनों होटल से निकले तो रिसेप्शन काउंटर पर एक क्लर्क ने बताया, सर टीवी वाले टीवी लेकर आए हैं। कहाँ हैं? उस मर्द ने पूछा। बाहर स्टेशन वैगन में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। होटल से बाहर निकल के वो दोनों पोर्च पे खड़े हो गए। सामने स्टेशन वैगन खड़ी थी टीवी लिए हुए। सावित्री उसे देख सकती थी। वो बोला, मैंने इसे तुम्हारे नाम से खरीदवाया है। वो बोली, थैंक यू। वो बोला, आज की खुशी इसकी 6 किस्तों के बराबर है। सावित्री की निगाहें झुक गई। वो कह रहा था, अब तुम्हें सिर्फ 6 किस्तें और अदा करनी पड़ेंगी, हर माह में एक, हर माह की 10 तारीख को, मंजूर? सावित्री का सर और भी झुक गया। तुम मेरी मर्सिडीज में जाओगी या टीवी वालों की स्टेशन वैगन में? सावित्री मरी मरी आवाज में बोली, नहीं, मैं स्टेशन वैगन में चली जाऊंगी। स्टेशन वैगन की तरफ चलते चलते उसके दिल में ख्याल आया, कैसा था उसका बोसा? दिमाग में एक बेनाम सी गूंज थी जो बार बार से पूछ रही थी, कैसा था उसका बोसा? यानी कि वो बोसा। फिर एकदम जैसे उसके दिमाग की सतह साफ हो गई।
उसने बड़ी रसानियत तमानियत और किसी तलखी के बगैर सोचा कि उसका बोसा ऐसा था जैसे कोई सड़क पर झुक जाए और झुककर लेट जाए और सड़क पर बिछी हुई तारकोल की सतह को चूम ले। बस ऐसा जायका था उसके बोसे का। जब वो टीवी लेकर टीवी इंजीनियर और उसके दूसरे साथियों के साथ घर पहुंची तो बच्चे खुशी के मारे उसे लिपट लिपट गए। उसके शौहर ने उसका गाल चूम लिया। घर में और आसपास के हमसायों के घरों में हल्ला मच गया। विमला वाकई तुम्हारी सच्ची सहेली है, उसके शौहर ने सर हिलाकर आज मान लिया। मगर उसने कहा है, सावित्री धीरे से बोली, कि इस कर्जे का जिक्र किसी से ना किया जाए क्योंकि उसने यह रकम अपने शौहर से छुपा कर दी है मुझे। मैं भला क्यों जिक्र करने लगा, मैं खूब समझता हूं, मुझे क्या करना है। कभी मुझे अगर वो कहीं मिल भी गई तो भी मैं उसका ऐसे जिक्र ना करूंगा, न शुक्रिया का एक लफ्ज जबान पर लाऊंगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मर्द राज रख सकते हैं, सावित्री ने इत्मीनान का सांस लिया। उस दिन से वो यानी उसका शौहर और दोनों बच्चे हर शाम प्रोग्राम से पहले ही यूं टीवी के सामने आकर बैठ जाते थे जैसे गोंद से चिपका दिए गए हों। चंद हमसायों के बच्चे भी आ जाते जिनके घरों में अभी तक टीवी नहीं आया था, लेकिन जिनके घरों में अब टीवी के लिए जंग शुरू हो जाएगी। मगर वो खुद ना जाने क्यों उसे टीवी से नफरत हो गई थी। वो कभी कोई पूरा प्रोग्राम नहीं देखती थी। चंद मिनट के बाद उसके दिल में हॉल सा उठने लगता और वो घबरा कर वहां से चली जाती। रात को जब उसके शौहर ने उसे बाहों में लेना चाहा तो वो घबरा कर अपने तकिए पर चली गई। क्या बात है, उसके शौहर ने पूछा। वो बोली, मालूम नहीं क्या बात है, बस जी नहीं चाहता। राजीव करवट बदल कर सो गया। थोड़ी देर बाद उसने खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी और जागते जागते उसने एक फैसला किया। 6 महीने बहुत होते, उसके आसाब इतने महीनों का तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो कल या परसों उसके पास जाएगी, उसे कहेगी और सारी किस्तें 6 महीने के बजाय 1.5 महीने में अदा कर देना चाहती है। मेरा ख्याल है बहुत खुश होगा, और वो भी 2 माह के बाद खाली उस जहन होकर उसे भुला सकेगी। दूसरे दिन उसे बहुत से काम थे इसलिए न जा सकी। तीसरे दिन गई उसी टाइम तो उसने देखा कि उसे गाड़ी तो गजीबों के बाहर खड़ी है मगर वो खुद पट खोले उसके बाहर नहीं खड़ा है। बाहर भी नहीं, कार के अंदर भी नहीं। उसने गर्दन हिलाकर अपने बाल शानों के पीछे किए और रेस्तरां के अंदर चली गई। अंदर एक मेज पर उसे बैठा हुआ नजर आया मगर उसके साथ एक औरत भी थी, दिलकश खुशदा प्यारी भोली सी सूरत, जामुनी रंग की भारी रेशम की साड़ी। उसका चेहरा से कुछ मानूस सा मालूम हुआ जैसा उसने उसे कहीं देखा है मगर कहां देखा है। वो साइड के एक टेबल पर बैठकर गौर करने लगी। बहरा उसे पूछे बगैर उसके सामने बियर की बोतल, भुनी हुई मूंगफली और आलू के चिप्स रख गया। बियर को ग्लास में उंडेलते ही यकायक उसे याद आया, अरे ये तो मिसेस राधिया है। उसका शौहर प्लास्टिक की बहुत बड़ी मिल में इंजीनियर है, ये हमारे पीछे वाले मोहल्ले में रहती है, डिकॉसा रोड पर। मिसेस रमा जोशी ने उसे बताया था उस दिन ये बेल बॉटम पहने थी इसलिए आज उसे पहचानने में इतना वक्त लगा।
मगर खैरियत गुजरी। मिसेस राधिया उसे नहीं जानती थी, मगर मिस्टर मर्सिडीज ने, नाम तो उसका कुछ और था, मगर सावित्री अपने आप से भी उसका नाम लेने को तैयार नहीं थी। मिस्टर मर्सिडीज ने उसे कनखियों से देख लिया था। 15-20 मिनट की गुफ्तगू के बाद मिसेस राधिया अपनी जामुनी रंग की साड़ी का भारी जर्द जरी के काम का पल्लू संभाल कर चली गई। हसीन नाजुक अंदाम दिलकश मिसेस राधिया, और उसके जाने के बाद और उसके जाने के चंद लम्हों बाद वो उसकी मेज पर आ गया। मगर हम तो अगले माह की 10 तारीख को मिलने वाले थे ना, मिस्टर मर्सिडीज ने किसी कदर हैरत से पूछा। जवाब में सावित्री ने पूछा, ये कौन थी? वो बोला, मिक्सी गर्ल। मिक्सी गर्ल? सावित्री के जवाब में शरीर हैरत थी। हाँ, उस मर्द ने बड़ी शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, मिक्सी गर्ल, जैसे तुम मेरी डायरी में टीवी गर्ल हो, कोई फ्रिज गर्ल होती है, कोई रेडियोग्राम गर्ल। अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी अपनी ख्वाहिश है, मैं इनकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, वो मेरी ख्वाहिश। उसने अबरू उठाकर पूछा, कोई एतराज? वो मुस्कुराकर बोली, कोई नहीं, सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं आपकी सारी किस्तें अगर एक माह में अदा कर दूँ तो कैसा रहेगा? ऐसा होना मुश्किल है, मुझे दूसरों से भी किस्तें वसूल करना है। आप खुद समझ सकती हैं, कहिए तो डायरी दिखाऊं? नहीं नहीं, वो बोली, मैं आपकी मशगूलियत समझ सकती हूं, मगर बड़ी मेहरबानी होगी अगर एक माह, ज्यादा से ज्यादा 2 माह प्लीज, यानी आप जल्दी से जल्दी मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। सावित्री चुप रही। उस मर्द ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है एक तरह से, कि मुझे जल्द और बार बार ऐसी मोहिनी अदाओं वाली औरत से मुलाकात होती रहेगी। अब मेरे लिए आपकी ख्वाहिश का एहतराम लाजमी है, कि उसमें खुद मेरी मुसरत नहा है। उसने इतना कहकर डायरी निकाली और चंद मुलाकातें कैंसिल की और उनका वक्त सावित्री को दे दिया। डायरी में लिखते वक्त उसकी 2 उंगलियों में हीरे की बड़ी बड़ी अंगूठियां चमक रही थी। 2 महीने में सावित्री ने उसका सारा कर्ज चुका दिया। औरत की एक खूबी यह भी है कि वो एक तरह की करेंसी भी होती है, और वो भी बहुत ही मोहतात, खुशबाश और मुहज्जब साबित हुआ। एक दफा भी उसने सावित्री को टेलीफोन करने की कोशिश नहीं की, ना उसके शौहर को यह गलत खत मिला, या धमकी आमेज मशवरा, या ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश। वो अक्सर उसे कहा करता था, मैं कोई विलन नहीं हूं, आजकल की अनोखी ब्लेड की धार पर चलने वाली माशी जिंदगी और मुसरत आमेज शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाली, लेकिन वक्ती तौर पर माली मुश्किलात में घिर जाने वाली औरतों के लिए मैं फरिश्ते रहमत हूं, एक ऐसा फर्द जो खुशहाली की चूहे दौड़ में भागने वाले समाज की एक अहम सोशल जरूरत को पूरा करता है कि नहीं। उसने होटल के सुइट में सावित्री के बालों से खेलते हुए पूछा, मगर सावित्री चुप रही थी, क्योंकि उसके फलसफे का उसके पास कोई जवाब न था। वो गलत भी था और ठीक भी था, तकलीफ दे हद तक ठीक, उसे चांटा भी मार सकती थी, मगर ये अपने ही मुंह पर चांटा मारने के मुतरादिफ होता। वक्त गुजरता गया और अब वो धीरे धीरे उसे भूलने लगी। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, वो उसकी याद को दिल से मिटाती गई। उसने उसे और उसकी मर्सिडीज को और होटल के मुलाकातों को अपने दिल के नेहा खाने के तारीख कोने में डाल दिया और मुनहमिक होकर अपने शौहर और बच्चों की खिदमत में लग गई। ये वाकया तो ऐसा था
से होना था, और जिसमें से गुजरे बगैर कोई चारा ना था, मगर अब वो उसे मीरों पीछे छोड़ाई थी। अब उसके सामने उसका मेहनती, खिदमत गुजार, मोहब्बत करने वाला शौहर था, और उसके दो प्यारे बच्चे थे। अब वो उनसे एक लम्हे के लिए गाफिल रहना नहीं चाहती थी। गुज़िश्ता 3 माह में वो एक बार भी गज़ीबो नहीं गई थी, उस सड़क पर से नहीं गुजरी थी। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो शहर के नक्शे पर तो होती हैं, लेकिन जिन्हें दिल के नक्शे से भी हटा देना बेहतर होता है। फिर एक रोज उसके बंगले के दाएं बाएं दोनों बंगलों की खाबगाहों में एयर कंडीशनर लग गए। शाम को जब बच्चे स्कूल से आए तो घर आने के बजाय नुक्कड़ पर खबर सुनकर दोनों बंगलों में बारी बारी घुस गए, और वहां से थोड़ी देर के बाद हांफते कांपते दौड़ते चीखते चिल्लाते अपने घर में दाखिल होते ही अपनी माँ से लिपट गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी एयर कंडीशनर, अम्मी मम्मी मम्मी एयर कंडीशनर, मम्मी मम्मी एयर कंडीशनर। राजीव जो टीवी के करीब बैठा हुआ उसकी गुंडी घुमाने की कोशिश कर रहा था, हंसते हुए बोला, हाँ हाँ उससे कहो तुम्हारी मम्मी की सहेली विमला लखपति की बीवी है, वही एयर कंडीशनर दिलवा सकती है। सावित्री भौचक्की सी रह गई। उसके दोनों बच्चे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और एक साथ चिल्ला रहे थे, मम्मी मम्मी एयर कंडीशनर, मम्मी मम्मी एयर कंडीशनर। सावित्री के फक चेहरे पर उसकी आंखों की पुतलियां तेज तेज हरकत करने लगी। चंद लम्हों में उसे सारी दुनिया घूमती दिखाई दी। एक अजीब तरह से उसे लगा जैसे पोच में खड़ी गाड़ी अपने हेडलाइट्स की आंखों से उसे घूरती हुई अपने बॉनेट का मुंह खोलकर उसकी तरफ मगरमच्छ की तरह बढ़ रही है। फिर एक कमरे के कोने से फ्रिज फ्रैंकनस्टाइन की तरह लड़खड़ाता कदम बढ़ाता उसकी तरफ चलने लगा। फिर क्लीनिंग रेंज और रेडियोग्राम और फर्नीचर और सोफे और गालीचे, मिक्सी और टोस्टर और घर में मौजूद तरह तरह के गैजेट उसे गिर चक्कर काटने लगे। फिर उन उमड़ती उभरती लड़खड़ाती चक्कर खाती उसे अपने घेरे में लेने वाली चीज़ों के दरमियान कहीं से 2 ज़रफ़शां उंगलियों की हीरे वाली अंगूठियां चमक चमक कर सिग्नल देने लगी। यकायक सावित्री एक चीख मारकर कुर्सी पर गिर गई और दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। तो यह था कृष्णचंद्र का अफसाना मुसर्रत, बॉम्बे स्टाइल।